हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं आदर्श शुक्ला यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो MIUI होता है वो वेरी लैगी और वेरी हैवी UI क्यों होता है, तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो चले गाइस, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए चैनल एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए कि जो MIUI होता है वो लैगी क्यों होता है और हैवी क्यों होता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो हर फ़ोन में MIUI लैगी नहीं होता, लेकिन हैवी हर फोन में होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टॉक एंड्रॉयड, तो अगर आपका फ़ोन जो है गाइस 8GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, तो गाइस वो 1GB 2GB में आ जाता है। लेकिन अगर उसके जगह पे अगर आप MIUI इंस्टॉल करते हो तो गाइस आपका 2GB से 3GB तक जो है इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए तो फर्स्ट सबसे पहले कॉस्मिक रोम बनाया जाता है, KOMS रोम। तो उसके बारे में डिटेल वीडियो टेक स्टार शाहरुख ने बनाया, तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके ऊपर गाइस स्टॉक एंड्रॉयड तैयार किया जाता है, जिसको सब समझते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले स्टॉक एंड्रॉयड ही बनता है, लेकिन उससे पहले भी रोम बनता है, उसके बाद में स्टॉक एंड्रॉयड गूगल के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें सारी जो सर्विसेज होती है गूगल के द्वारा दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे रहता है स्टॉक एंड्रॉयड तैयार किया जाता है सेकेंड नंबर पर, लेकिन हमारे लिए तो फर्स्ट ही रहेगा। तो स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर फिर सारी कंपनियों को दी जाती है, तो सारी कंपनी उसकी जो एंड्रॉयड होती है एंड्रॉयड प्रोग्राम को ले लेती है और उसके ऊपर अपना UI चढ़ा देती है, फिर उसके पर अंदर अपना फंक्शंस डालती हैं, ऐप्स डालती हैं, जिससे और भारी होता चला जाता है। स्टॉक एंड्रॉयड में आप देखेंगे तो आपको लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे, और जिससे क्या है उसकी जो स्क्रीन है वो वेरी हैवी भी बहुत कम होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके फ़ोन में ऐप्स कम है, आपकी UI हैवी कम है, तो लैग कम करेगा, 100% फिक्स ही है। लेकिन अगर आपका फ़ोन जो है जो आपका UI हैवी ज़्यादा है, तो लैग जरूर ही करेगा 100%। अगर छोटे छोटे फ़ोन में रहता है तो हैंग बहुत जल्दी करेगा, ये बात तो सच है। इसके लिए MIUI में आप बहुत देखोगे फीचर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, जो आपको एंड्रॉयड 10 में मिलते हैं। अगर आप MIUI को फोन यूज करते हो तो आपको एंड्रॉयड 9 में वो सारे फीचर मिल जाएंगे, प्लस आपको और एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड हो जाएंगे। इसलिए आपको पता है कि अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड यूज करते हो तो आपको थीम्स का फंक्शन नहीं मिलता है, फिर और बहुत सारी इनबिल्ड स्क्रीन रिकॉर्ड और बहुत सारी फीचर्स जो आपको स्टॉक एंड्रॉयड में नहीं मिलता है, लेकिन आपको MIUI के फोन में मिल जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, MIUI वेरी हैवी हो जाता है और वेरी लैगी हो जाता है। और एक लैग होने का ये भी कारण है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पर्टिकुलर एक फोन के लिए ही अपडेट नहीं तैयार करती है, बल्कि एक फ्लैक्सिक लेवल के लिए तैयार। जैसे कि MI का Redmi K20, K20 Pro ऐसे फ्लैक्सिक लेवल में आता है, हर कंपनी ऐसा करती है, लेकिन MI का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो बड़ी कंपनी के लिए करती है और उसके बाद में वही जो अपडेट रहता है थोड़ा साइज कम करके हर फोन में पुश कर देती है। जैसे कि Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7, Redmi Note 6, तो बस उनके लिए अलग अलग से अपडेट पैकेज नहीं तैयार किया जाता है, या फिर MIUI वर्जन नहीं तैयार किया जाता है, एक ही का रहता है, वो हर फोन में डाल दिया जाता है। जैसे कि जो अच्छी तरह से ऑप्टिमाइजेशन Redmi K20 के लिए ही किया जाता है, लेकिन वो सारे फ़ोन में भेज दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आप MI का फ़ोन यूज करते हो तब एक्टिविटी लॉन्चर के अंदर जाके एमोलेड डिस्प्ले अगर आप देखोगे तो आप में वो फंक्शन दिया है, आप में उतनी जगह तो फ़ोन में उतनी जगह ले ही रहा है, भले ही वो सिस्टम वर्क करे ना करे, लेकिन आपको जो इंटरनल स्टोरेज का उतना हिस्सा वो ले ही रहा है, वो बैकग्राउंड में रन कर ही रहा है, भले आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, फंक्शन नहीं हो। तो इसके लिए गाइस जो आपको इंटरनल स्टोरेज का थोड़ा बढ़ रहा है, तो यही कारण होता है, हर कंपनी ऐसे ही करती है। क्योंकि जो आईफोन्स होता है वो पर्टिकुलर फ़ोन के लिए अपडेट तैयार करता है, इसके लिए वहाँ पे जो फ़ोन लैग कम करता है और वहाँ पे जो हैवी भी कम होता है। लेकिन हर एंड्रॉयड कंपनी कोई भी हो, क्योंकि मॉडल बहुत सारे निकाल देते हैं वो। अब देखेंगे जैसे कि आईफोन में मॉडल कम रहते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड के फ़ोन देखोगे आप, जैसे MI का ही देख लो आप, कितने सारे आपको सीरीज मिल जाएंगे, एक सीरीज़ नहीं निकालते, 4-5 सीरीज़ निकाल देते हैं, फिर उसमें 5-10 फ़ोन निकाल देते हैं। तो पर्टिकुलर फ़ोन के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं रह जाता है कि हम उनके लिए बकायदा एक अपडेट तैयार कर पाए। तो गाइस यही एक रीज़न है जिसके कारण जो MIUI होता है वो वेरी लैगी और वेरी हैवी होता है। और ये MIUI क्यों, हर UI को आप ऐसे ही देख सकते हो, हर UI पे भी आप ऐसे देख सकते हो, क्योंकि मैं MIUI यूज कर रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप दूसरा UI जैसे कि आप सैमसंग का वन UI भी यूज करेंगे तो आपको वैसे ही फीलिंग आएगी हैवी और लैगी वाला। हर में जैसे फंटच OS, फिर रियलमी UI, फिर बाद में OnePlus OS का तो ऑक्सीजन OS है, तो वो स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर भी बेस्ट है, तो इसके लिए वो ज़्यादा हैवी और लैगी नहीं है।
तो चले गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलेगा। और गैस अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।